एसएससी एमटीएस की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज यहाँ पर स्टार्ट हो रही है। अब ये क्वेश्चंस कौन से वाले हैं? सबसे पहले एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम हुआ है 2 मई से लेकर 19 मई तक, अभी दोबारा से होने एग्ज़ाम, अभी ब्रेक है कुछ देर की, तो इन सभी डेज़ में जो भी क्वेश्चंस आए हैं वो सभी क्वेश्चंस हमने कवर करने हैं। लेकिन कैसे? सब्जेक्ट वाइज। जैसे आज हम आपके सामने हिस्ट्री क्वेश्चंस का सेट लाएंगे, मतलब ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि हिस्ट्री के ऑलरेडी आपके इन दिनों में जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें पूछे गए हैं, जो आने वाली शिफ्ट में भी काम आएंगे और दोबारा से एसएससी के फॉर्म लगेंगे उन एस्पिरेंट्स के भी काम आने वाला है। आपको टॉपिक समझ आएगा किस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो क्वेश्चंस भी होंगे साथ में आंसर्स भी दिए जाएंगे, तो पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप डिफेंस एंड एसएससी एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर ये वीडियो देख रहे हो तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले 4-5 क्वेश्चन का सेट आपके सामने चल रहा है, इन 5 क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। व्हेन डिड द चोरी चोरा इंसिडेंट टुक प्लेस? चोरी चोरा इंसिडेंट कब हुआ था? इसका आंसर पता है तो भी थोड़े दिमाग में रखो, अभी आपके सामने आंसर भी आएंगे। विच रूलर ऑफ द मुगल एम्पायर वॉज टेकन टू म्यांमार? कौन से मुगल एम्पायर में कौन से रूलर ऐसे थे जिन्हें म्यांमार में लेके गए थे? हु फॉट इन द सेकेंड बैटल ऑफ तारिन? बैटल ऑफ तारिन हुई थी, जो सेकेंड बैटल ऑफ तारिन थी उसमें किसने लड़ाई लड़ी थी? लाला लाजपत राय वॉज रिलेटेड टू विच एसोसिएशन? लाला लाजपत राय की बात करेंगे, वो कौन से एसोसिएशन से जुड़े हुए थे? वेन वॉज रिवॉल्ट स्टार्टेड इन मेरठ? मेरठ में जो विद्रोह हुआ है, रिवॉल्ट है, वो कब स्टार्ट हुआ था? तो पहले 5 क्वेश्चन समझ आ गए, अब इन क्वेश्चंस को आंसर के साथ कवर करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में यही था, व्हेन डिड द चोरी चोरा इंसिडेंट टुक प्लेस? कब हुआ था? तो 1922 का वो ईयर था, 4 फेब 1922 का वो टाइम था, और गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में है चोरी चोरा, यानी कि यूपी में आ जाता है। तो पहला क्वेश्चन कवर हो गया। कौन से रूलर मुगल एम्पायर के ऐसे थे म्यांमार लेके गए थे? तो बहादुर शाह जफर सेकंड की बात करेंगे, उस टाइम पे वर्मा कहा करता था, रंगून वहाँ पर लेके गए थे ना, जब 1857 का रिवॉल्ट होता, उसके बाद आप सभी को पता है बहादुर शाह जफर दिल्ली में रूलर थे उस टाइम पर, तो उन्हें वहाँ पर शिफ्ट कर दिया था ताकि दोबारा से रिवॉल्ट वगैरह ना हो इस तरीके से। तो बहादुर शाह जफर सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु फॉट इन द सेकेंड बैटल ऑफ तारिन? जो सेकेंड बैटल होती तारिन की, उसमें किसने लड़ाई लड़ी थी? 1192 में हुई थी, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुई थी, और इस बार मोहम्मद गोरी जीत गया था ना, पहली बार जो हुई थी उसमें पृथ्वीराज चौहान, दूसरे मोहम्मद गोरी जीता था। लाला लाजपत राय जो है वो कौन सी एसोसिएशन से जुड़े हुए थे? अब ऑप्शन याद नहीं है, लेकिन हाँ सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी से भी कनेक्टेड है, तो हो सकता है ऑप्शन में ये होता, आपको ये टिक करना था। मेरठ में विद्रोह कब स्टार्ट होता? 1857 का रिवॉल्ट स्टार्ट हो रहा था, तो मेरठ में विद्रोह स्टार्ट होता, वो डेट कौन सी थी? 1857 का ईयर तो था, लेकिन डेट थी 10 मई, बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है, तो ये आपको क्लियर हो रहा होगा। अब देखिए, ये जो हमारा YouTube चैनल है डिफेंस एट एसएससी एग्ज़ाम, यहाँ पर अगर आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पर जाओगे तो यहाँ पर आपको ये प्लेलिस्ट देखने को मिल रही है, एसएससी एमटीएस 2023 पेपर वाली, है ना। आप जैसे ही इस प्लेलिस्ट में जाओगे, जो भी मैं आपको क्वेश्चंस वगैरह करवा रहा हूँ, अभी वीडियोस करवा रहा हूँ, ये सभी वीडियोज़ जो है वो इसी प्लेलिस्ट में ऐड होती जाएंगी, और ऑलरेडी इस प्लेलिस्ट में वो वाले टॉपिक हैं जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रहे थे, ऑटोबायोग्राफी से क्वेश्चन आ रहे थे, और जब मैंने करवाया था उसके बाद इसी वीडियो से 2-3 क्वेश्चन और आपके पेपर में आए थे। तो यहाँ पर जो पहले से वीडियो है वो वही वीडियो जो एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं उन क्वेश्चन के हिसाब से उस टॉपिक को डिस्कस करा गया है, तो ये कंप्लीट प्लेलिस्ट ही आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और इसी तरीके से यहाँ पे आपको हिस्ट्री की प्लेलिस्ट भी देखने को मिलेगी, इंडियन हिस्ट्री की, अगर आप वो प्लेलिस्ट जाके देखोगे ना तो इन 5 में से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जिसका आंसर आपको नहीं आता होगा, सभी के सभी टॉपिक कवर करवाए गए। इवन आप जो अभी और क्वेश्चन आपको सामने लाऊंगा, आपके सामने जो पेपर में पूछे गए हैं, 95% ज़्यादा क्वेश्चंस ऐसे हैं जो इसी प्लेलिस्ट से आए हुए हैं, हिस्ट्री वाली प्लेलिस्ट से, और अगर आप क्वेश्चन सीरीज भी लगा दो साथ में कवर करवाई गई है, तो सभी के सभी क्वेश्चंस वहाँ से आ रहे हैं। तो फिलहाल आगे चलते हैं, बाकी और भी क्वेश्चंस का सेट है वो भी कवर कर लेते हैं। जैसे नेक्स्ट सेट आपके सामने आ रहा है, व्हाट वॉज द सिम्बल ऑफ चेरा डायनेस्टी? चेरा डायनेस्टी का सिम्बल क्या था? हु वॉज रेफर्ड एज अमित्रगाट? अमित्रगाट किसे कहा जाता था? नेम ऑफ जहांगीर सन? जहांगीर के बेटे का नाम क्या था? हु वॉज द मोस्ट फेमस साका रूलर इन इंडिया? हु रूल्ड फ्रॉम 130 AD टू 150 AD? एक फेमस साका रूलर थे इंडिया में जिनका रूल जो था वो 130 AD से लेकर 150 AD तक चलता, वो कौन थे? हु लेड द म्यूटिनी फ्रॉम लखनऊ ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857? जब 1857 का रिवॉल्ट चल रहा था तो लखनऊ से कौन लीड कर रहा था, है ना। ये ट्रिक्स के साथ आपको सब कुछ कवर करवाया हुआ है, और एग्जाम में वहीं से क्वेश्चन आए हैं, तो ईजी है, आराम से हिस्ट्री की प्लेलिस्ट को जाकर देख लेना अगर आपके हिस्ट्री के कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तो ये 5 क्वेश्चन का सेट और आपके सामने आ गया, अब इनके आंसर कवर कर लेते हैं, है ना। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, चेरा डायनेस्टी का सिंबल क्या था? तो तीर कमान इनका सिंबल हुआ करता था, तो बो एंड एरो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। अमित्रगाट किसे कहा जाता था? बिंदुसार को कहा जाता था।
सी बी ए वाली सीक्वेंस आपको कराई थी, उल्टी ए बी से करवाई थी। तो बिंदुसार की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे अमित्र घाट भी कहा जाता था। जहांगीर के बेटे हालांकि और भी थे, लेकिन शाहजहाँ फेमस है, तो शाहजहाँ आपके यहाँ पर ऑप्शन में आपको आया होता। और एक ऐसे साका रूलर इंडिया के जिन्होंने इस टाइम पीरियड पर रूल किया था, वो कौन थे? रुद्र दमन फर्स्ट थे। और लखनऊ से कौन लीड कर रहा था? बेगम हजरत महल जो है वो लखनऊ से लीड कर रहे थे। आपको ट्रिक करवाई थी जब वीडियो में, तो कहा था लक है तभी महल बन पाएगा, है ना, लक होगा तभी महल बन पाएगा। इस तरह से ट्रिक की हेल्प को याद करवाया था ये वाला भी। तो ये वाले 5 क्वेश्चन और सेट कर क्लियर हो गया। अब आपने बस अपने एंड से एक काम करना है, वीडियो को शेयर करते जाना है, क्योंकि अगर आप वीडियो को शेयर करोगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगी। इस तरह के सभी सब्जेक्ट हम जल्दी से जल्दी कवर करने का ट्राई करेंगे। बस आपने अपने एंड से वीडियोज़ को शेयर करते जाना है। अब जैसे देखिए यहाँ पर 1, 4, 5 क्वेश्चन और आपके सामने आ रहे हैं। वन, ये सभी क्वेश्चंस वो हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है, रिसेंट एग्जाम में आए हैं अभी। वन डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी टेक कंट्रोल ऑफ इंडिया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया का कंट्रोल कब अपने हाथों में लिया था? वेयर डिड बुद्ध अटेंड एनलाइटमेंट? गौतम बुद्ध जी की बात करेंगे, एनलाइटमेंट की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? विच रिवॉल्यूशनरीज थ्रू बॉम्ब इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इन 1929? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में जो बॉम्ब केस होता है 1929 में, वो बॉम्ब किसने फेंके थे? हिमायूं का टॉम्ब जो किसके द्वारा बिल्ड करा गया था? हु बिल्ड शालमार बाग? शालमार बाग किसके द्वारा बनाया गया था? अभी इन क्वेश्चन के आंसर भी कवर कर लेते हैं। सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब कंट्रोल लिया था? 1773 का एक्ट आया था वहाँ से कंट्रोल लिया था, और 1858 का एक्ट आया था वहाँ से कंपनी का रूल खत्म हो गया था और क्राउन का रूल आ गया था। 1773 से लेकर 1858 तक का जो टाइम पीरियड है, ऑप्शन कहते हैं आपको वो देखना था। गौतम बुद्ध की बात करें, एनलाइटमेंट की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? देखो कहाँ पर हुई थी आपसे पूछा गया, ये पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और जगह थी बोध गया। अब बोध गया कहाँ पर है? यूपी में, बिहार में? आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो। कौन सी रिवॉल्यूशनरी जिन्होंने बॉम्ब फेंका था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में 1929 में? वो भगत सिंह थे और बटू केशव दत्त थे। तो ये भी आपको कवर करना होगा। आगे चलते हैं और क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। हिमायूं का टॉम्ब जो है किसके द्वारा बिल्ड करा गया था? यहाँ पर आप देख सकते हो, ये देखो ये मेरा बेबी सोया हुआ है यहाँ पर, तभी मैं वीडियो बना पा रहा हूँ अभी। हिमायूं का टॉम्ब जो है वो किसके द्वारा बिल्ड करा गया था? हिमायूं का टॉम्ब जो है वो हाजी बेगम के द्वारा बनाया गया था दिल्ली में, और शालीमार बाग जहांगीर के द्वारा बनाया गया था श्रीनगर में। तो ये 4-5 क्वेश्चन का सेट आपके सामने यहाँ पर और कवर हो गया। तो 15 क्वेश्चन का सेट हमारा क्लियर हो गया। तो अभी तक आपने वीडियो शेयर नहीं करी तो वीडियो ज़रूर शेयर कर लो। अब आगे 5 क्वेश्चन का और सेट आपके सामने आ रहा है। विच पैक्ट वॉज साइंड बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में कौन सा समझौता हुआ था? वेन वॉज बैटल ऑफ पुरंदर? बैटल ऑफ पुरंदर कब लड़ी गई थी? हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फ्रॉम 1773? ये 1 7 हटा देना। 1773 से लेकर 85 तक गवर्नर जनरल इंडिया का कौन था? कौन से मुगल एम्परर ऐसे जिन्हें बादशाह हिंद कहा जाता था? कौन सा एक्ट ऐसा है जो 1919 में आया था? अब इन 500 के आंसर भी देख लेते हैं। सबसे पहले देखो 1907 में सूरत स्प्लिट हुआ था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग अलग हो गए थे, लेकिन वापस कब आए थे? 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ था, तो वही आपसे पूछा गया था। बैटल ऑफ पुरंदर कब लड़ी गई थी? मुगल्स और मराठा के बीच में हुई थी, 1665 में लड़ी गई थी। गवर्नर जनरल कौन था इंडिया का 1773 से 85 तक? वारेन हेस्टिंग था। कौन से मुगल एम्परर को बादशाह हिंद भी कहा जाता था? बहादुर शाह सेकंड को ही कहा जा रहा था। और कौन सा एक्ट ऐसा है जो 1919 में आया था? तो वो रोल एक्ट एक्ट था। तो इसी के साथ आपके 20 क्वेश्चन का सेट यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट और क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं। बाकी यहाँ पर आप देखोगे डिफेंस एंड एसएससी एग्जाम में जाओगे, पॉलिटी की प्लेलिस्ट है, हिस्ट्री की प्लेलिस्ट है, रीजनिंग की प्लेलिस्ट है। रीजनिंग की प्लेलिस्ट तो बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक शॉर्टकट आपको बताया हूँ, इस तरीके से आप कभी भी टॉपिक को नहीं भूलोगे। तो प्लेलिस्ट में जाके वीडियोज़ को देख सकते हो। और सबसे एक इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपसे शेयर कर लूँ, एसएससी एमटीएस की टेस्ट सीरीज़, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हालांकि पहले वहाँ पे सब्जेक्ट वाइज फुल लेंथ मॉक टेस्ट वहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं, लेकिन अब क्या होगा, वहाँ पर एक प्लेलिस्ट बनाई गई है एसएससी एमटीएस 2023 के नाम से। वो जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर ऐसे टेस्ट ऐड होंगे जो कि अभी रिसेंट एग्जाम हुए हैं एमटीएस के, यहाँ पर जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इनसे रिलेटेड, और जिस जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन टॉपिक में से एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके सामने लाता रहूँगा, टेस्ट की फॉर्मेट में आपके सामने आते रहेंगे। वो टेस्ट ज़रूर अटेम्प्ट करते जाना, डेली का टेस्ट वहाँ पर अपडेट होता रहेगा। आज से वो टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे तो आपके लिए वो टेस्ट बड़े बेनिफिशियल रहने वाले हैं। जैसे अटेम्प्ट करोगे आपको रैंकिंग पता लग जाएगी, लीडर बोर्ड सामने आएगा, आपको कंपटीशन साफ साफ नजर आएगा, कैसा कंपटीशन है, कितनी आपकी तैयारी है, उस हिसाब से अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में, दोनों जगह आपको टेस्ट सीरीज का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर लेना। इन विच ईयर मुस्लिम लीग वॉज फाउंड? मुस्लिम लीग की स्थापना कब करी गई? हु फाउंडेड द सैयद डायनेस्टी? सैयद डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? हु वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? इंडिपेंडेंट इंडिया के लास्ट गवर्नर जनरल कौन थे?
वेन वॉज द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत फोर्ट, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी, राजगृह जो है किसकी कैपिटल हुआ करती थी। पांच क्वेश्चन का सेट और हो गया, अब इनके आंसर देख लेते हैं। देखो मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन कब होती है, 30 दिसंबर 1906 को होती है। सैयद डायनेस्टी की फाउंडेशन किसने की, खिजर खान ने की। लास्ट गवर्नर जनरल कौन था इंडिपेंडेंट इंडिया का, सी राजा गोपालचारी। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में, राजगृह किसकी कैपिटल हुआ करती थी, मगध एम्पायर की हुआ करती थी। कंसेप्ट क्लियर हो गया, तो पांच क्वेश्चन का सेट यहाँ पर हमारा और कंप्लीट हो गया। चलिए यहाँ पर हम आगे कवर कर रहे थे, तो मुस्लिम लीग की फाउंडेशन कब हुई थी, 30 दिसंबर 1906 को फाउंडेशन हुई थी। अच्छा ये सब कुछ हमने कवर कर लिया अभी, है ना। तो बाकी आपको बताना चाहूँगा, ये डिफेंस एंड एसएससी एग्जाम के नाम से यूट्यूब चैनल है और इसी नाम से टेलीग्राम ग्रुप भी है। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन करा है, डायरेक्टली टेलीग्राम में जाकर भी सर्च कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में भी लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाके भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ये जो क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं या फिर पहले वाले जो नोट्स वगैरह हैं, वो सब कुछ आपको उसी टेलीग्राम पर मिलेंगे। एसएससी को लेकर कोई भी अपडेट आता है वो भी आपको उसी टेलीग्राम पर मिलता जाएगा। रेलवे को लेकर अपडेट आएगा उसी टेलीग्राम पर मिलता जाएगा। तो वो टेलीग्राम ग्रुप जाकर ज़रूर ज्वाइन करना। और इस वीडियो को आपको पता क्या क्या करना है, कमेंट ज़रूर करना है कि नेक्स्ट जो वीडियो है वो कौन से सब्जेक्ट पर आपको चाहिए। वीडियो को शेयर करना ही है, पहली बार है तो सब्सक्राइब करना ही है, बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो आगे चलते हैं और क्वेश्चंस कवर कर लेते हैं। हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ पल्लवा डायनेस्टी, पल्लवा डायनेस्टी के लास्ट रूलर का नाम क्या था। फर्स्ट वुमेन रूलर कौन थे दिल्ली सल्तनत की। फर्स्ट बैटल ऑफ तारेन कब लड़ी गई थी। बंगाल का पार्टीशन कब हुआ था। वो जो लैंड डिनोट करते थे चोला वाले रूलर्स ब्राह्मण्स को, उस ज़मीन को क्या कहा जाता था। पांच क्वेश्चन का सेट और कवर हो गया, अब इनके आंसर भी देख लेते हैं। देखो लास्ट रूलर कौन थे पल्लवा डायनेस्टी के, अपराजिता शॉर्ट में से कहा जाता था। पहली वुमेन रूलर कौन सी दिल्ली सल्तनत की, रजिया सुल्तान। फर्स्ट बैटल ऑफ तारेन कब हुई थी, 1191 में, और दूसरी 92 में हुई थी। बंगाल का पार्टीशन 1905 में, मुस्लिम लीग का स्प्लिट 1906 में हुआ था। आप मुझे एक बात बताओ, ये जो सीक्वेंस है पूरी, जैसे हमारे सामने आता है कि जैसे मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में, बंगाल का पार्टीशन 1906 में हुआ, पूरे साथ में सूरत स्प्लिट हो गया, ये पूरी सीक्वेंस है ना। इस सीक्वेंस एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं कि रोहिल्ला एक्ट कब आया था, ये पूरी सीक्वेंस है 1905 से चलती हुई। क्या आप चाहते हो कि इस सीक्वेंस पर एक शॉर्ट वीडियो बनाया जाए 8 से 10 मिनट की ट्रिक्स के साथ, ताकि आप सभी याद कर सको। अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वो लैंड जो चोला वाले रूलर्स ब्राह्मण्स को डिनोट किया करते थे, तो उसे कहा जाता था ब्रह्मदया। पांच क्वेश्चन का सेट और कंप्लीट हो गया, सभी क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। और अगर आप किसी शिफ्ट में बैठे थे और आपको लगता है कि हिस्ट्री में ये वाला क्वेश्चन भी आया था और वो मैंने इस वीडियो में इंक्लूड नहीं करा है, तो वो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन भी लिखो, उसका आंसर भी बता दो और एक दूसरे की हेल्प करो। इसी तरीके से काम चलने वाला है। विच मुगल एम्परर वॉज टाइटल्ड आलमगीर, आलमगीर कौन से मुगल एम्परर को कहा जाता था। धोलावीरा की बात करें कौन से स्टेट में है, जलियांवाला बाग हत्याकांड होता उसके ऑर्डर किसने दिए थे। महात्मा गांधी जी की बात करेंगे, हरिजन सेवक संघ की स्थापना करी थी कब करी थी। सेकंड बैटल ऑफ तारेन कब लड़ी गई, ये क्वेश्चन ऐसे रिपीट हो गया ना, पहले भी ये वाला आया था। देखो मुगल एम्परर जिन्हें आलमगीर कहा जाता था वो रहा औरंगजेब। अब जब मैं आपको मुगल एम्पायर टॉपिक कवर करवाया था, तो वहाँ पे एस्पिरेंट कहते ये तो डिलीट हो गया सिलेबस, एग्जाम में आएगा नहीं, और यहाँ से 3-4 क्वेश्चन आ गए इस बार पेपर में। धोलावीरा की बात करेंगे कहाँ पर है, वो गुजरात में है। जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है तो उसके ऑर्डर किसने दिए थे, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। महात्मा गांधी जी की बात करेंगे, हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब करी गई थी, 1932 में करी गई थी। सेकंड बैटल ऑफ तारेन 1192 में हुई थी। तो पांच क्वेश्चन का सेट आपके सामने और आ गया, आगे चलते हैं और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, वेन डिड द संथल SANTHAL संथल है, ठीक है, ये SANTHAL संथल, संथल रिवॉल्ट कब हुआ था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। मेगास्थनीस कम टू इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच एम्परर, मेगास्थनीस इंडिया में आया था तब किसका शासन चल रहा था। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन, पहली रेड जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है वो कहाँ पर हुई थी। हु इंट्रोड्यूस्ड सिल्वर तिनका, सिल्वर तिनका जो कॉइन्स थे वो किसने इंट्रोड्यूस करे थे। फर्स्ट सेशन ऑफ INC, INC का पहला सेशन कहाँ पर हुआ था, आपसे वो पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पे संथल के रिवॉल्ट की बात करें, वो 1855 से 1856 का टाइम पीरियड था। याद करने का तरीका है, 1857 का रिवॉल्ट था, उससे पहले ये हुआ था। मेगास्थनीस इंडिया में जब बैठे चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम पीरियड चल रहा था। पहली राउंड टेबल क्या, सभी के सभी राउंड टेबल कौन से दंदन में हुई थी, और पहली 1930 में हुई थी। सिल्वर तनका किसने इंट्रोड्यूस करा था, इल्तुतमिश, यानी कि दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड पर आया था। और पहला सेशन INC का 1885 में हुआ था, बॉम्बे में हुआ था। पूरे ट्रिक्स के साथ आपको सेशंस कवर करवाए हुए हैं।
आगे चलते हैं और क्वेश्चंस कवर कर लेते हैं। अब देखो ये टॉपिक है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, बैटल ऑफ कन्नौज से क्वेश्चन आया, पानीपत से क्वेश्चन आ रहे हैं, चंपारण मूवमेंट से क्वेश्चन आया था, मुस्लिम लीग को और क्वेश्चन आए थे, दिल्ली सल्तनत को क्वेश्चन आए, मुगल एम्पायर के INC के सेशन को लेकर क्वेश्चन आए और भी शिफ्ट वगैरह में, तो इन सभी टॉपिक्स पर भी फोकस कर लेना। अब आपको आइडिया लग गया है कि एग्जाम में क्या डेप्थ में जाके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं या बेसिक तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आपके सामने सब कुछ आ गया, आपको इस हिसाब से तैयारी वगैरह करनी है। बाकी यूट्यूब चैनल आपके सामने है, अगर सब्सक्राइब नहीं कर तो सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको हेल्प मिल सके, और टेलीग्राम ज्वाइन करना, सबसे एंड में वीडियो को शेयर ज़रूर करना। तो फिलहाल करते हैं आज के इस वीडियो को एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।